कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश में आक्रोश जगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं कोलकाता में। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और तल्ख टिप्पणी की है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था, वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसको काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरे हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हम फोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। सर, आपने अभी बताया भी कि प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं था घटना के बाद आपके साथ। प्रिंसिपल तो हमसे बात ही नहीं किया। इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं किया। सर, उस दिन आपकी बेटी उस दिन कितने बजे घर से निकली थी और आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? जिस अगले दिन सुबह 8:10 से घर से निकली थे और रात 11:15 से माँ से बात हुआ था फोन से। हम भी पास में था, वो सुन रहा था मैं क्या बोल रहा है। क्या मैडम क्या बोला था आपकी बेटी ने लास्ट आपसे बात जो करी? उसको खाना आ गया, हम लोग सब मिल के खाना खाएंगे, आप लोग खाना खा के और बापी को बोलिए मेडिसिन लेके सो जाइए, ऐसे ही बात है। और सर, फिर अगले दिन सुबह जब उनका शव मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। ये अस्पताल ने बोला था? हॉस्पिटल से हमको यही। और पहली बार आप उनकी आपने बॉडी को कब देखा था अपनी बेटी को? 3:30 उतना ठंड में नहीं है तो 3:30 ही देखा था, 3:30-4 देखा था। और सर, इसमें FIR होने में आपको लग रहा पुलिस बहुत लेट मौके पे पहुंची है सर, जो घटना स्थल है वहाँ पर? नहीं, पुलिस पहले ही पहुंच गया था। पहुंच गई थाना तो थाना हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, वो आउटपोस्ट है थाना हॉस्पिटल में। और पोस्टमार्टम लेट नाइट हुआ है सर, हमने भी वहाँ पे बात की थी। हम स्टूडेंट लोग भी बोला था जल्दी जल्दी करिए, लेकिन वो लोग डिले करके पोस्टमार्टम बाद में किया, लेकिन डेड बॉडी को निकालने के लिए वो ग्रीन कॉरिडोर भी कर दिया। सर, आपको ये नहीं लगता है सर, रात में सुबह मतलब 3-4 के बीच में हत्या होती है और सुबह 9:30 के बाद अस्पताल को पता चलता है, अगर सुबह जल्दी भी पता चल गया था तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये बात उठी है? ये तो पूरा क्या बोले विचार का विषय है, हमको इसके इसमें आंसर देना ठीक नहीं है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हमने कल देखा CBI आपके घर 6 घंटे रुकी थी, जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे जानने की कोशिश की होगी बेटी को लेकर। है, कोशिश तो किया है। और एक डायरी भी मिली है मौके से जो उसके पन्ने फटे थे, उस पर कुछ आप बता सकते हैं? आपको कोई शक लगा? नहीं, हमको ये बारे में कुछ माने पता नहीं है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई थी आपकी बेटी के साथ, जो जाहिर नहीं की जा सकती ना दिखाई सकती। ये तो आप देख रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है 1 से ज़्यादा लोग थे इसमें, केवल ये संजय रॉय ही नहीं, और भी लोग हो सकते हैं? और भी लोग हैं, और भी तो सभी बोल रहा है, जो हमारा लड़की भी 1 साल जो डॉक्टर बनता है वो 1 साल फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना पड़ता है, वो भी जानता है इसका। सर, कभी बेटी ने अस्पताल को लेके कोई बात करी हो अपने दोस्तों से, माँ से, कि कोई गड़बड़ी चल रही थी, कोई दबाव था? छोटा छोटा बात होता था, बोले ऐसा कोई, हम कभी कभी किसी को बोलता था मेरा लड़की है, कोई पेशेंट मदद के लिए मांगते थे हम भेज देता है, वो लड़की बोलता नहीं बापी ये सब मत करिए तो हमका हमारा हमको फेल करा देगा परीक्षा में। उसका जो थीसिस पेपर था वो भी बदला गया था, लेकिन ले लिया था VP ने। सर, आज एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात ये भी बोली गई है कि जो मौकाए वारदात था उसको सुरक्षित नहीं रखा गया, यानी सेमिनार हॉल में रिनोवेशन की जल्दी क्या थी, ये बात भी आज बताई गई है वहाँ पर। ये तो फिर एक ही बात है, वो विचाराधीन विषय, वो लोग अच्छा क्या क्या सोचा है उन्होंने तो बोल ही दिया। मैम, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जाहिर तौर पर वो बड़ी डॉक्टर बनती हैं, अब अस्पताल प्रशासन के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो दबी जुबान में नहीं बोल पा रहे थे, अब खुल के सामने आ रहे हैं, अब पूर्व प्रिंसिपल पे कोलकाता पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, आपको लगता है कि जो अस्पताल था कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी? अवश्य, डिपार्टमेंट को तो हम पहले से ही इसके बारे में मैंने संदेह कर रहा है।
और सर गवर्नर हाउस भी आपसे लगातार बात कर रहा था, आज गवर्नर साहब का वीडियो भी आया आपसे बात करते हुए का, वो आपसे मिलने भी आने वाले हैं जल्दी। हाँ उन्होंने बोला हम आएंगे आपका पास, आपको आप हिम्मत रखिए, हम आपका साथ है, आपको जस्टिस मिलेगा। कोलकाता सरकार पर आपको भरोसा है पूरा, सीबीआई पर और सब सरकार का पर पूरा हमारा भरोसा है और सीबीआई के ऊपर तो आस्था रख रहा है। सर आरोपी को लेके क्या आपकी मांग है, पूरी देश उसको लेके फांसी की मांग कर रही है, उसका जो जस्टिस जो इसके लिए तो न्यायालय है, न्यायालय जो जस्टिस देगा वही होगा। शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे टेनी डॉक्टर जो पीड़ित के माता पिता थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जुडिशरी पे विश्वास है, उन्हें कोलकाता सरकार के ऊपर विश्वास है, सीबीआई की जांच पर विश्वास है और जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता।